for MDCAT 2023 ETEA, UHS and Balochistan and everywhere. Now you can prepare your MDCAT from मकसद ऐप. यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा, यू कैन सी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और इन सब के अंदर क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और फिर उसकी ग्रैंड टेस्ट है. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम. देखिए जी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट में भी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं, इनबॉक्स में भी पूछ रहे हैं कि सर एमडीकेएट रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन कितने दिनों तक रहेगी और उसके बाद जो है क्या इसमें हमारे पास लेट रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती. और आप लोग को पता है कि स्टूडेंट जो है दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एमडीकेएट सिलेबस एंड एमडीकेएट डेट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स गेट अ रफ आइडिया फ्रॉम 2022. देखिए आप लोग को जिस तरह नज़र आ रहा है कि 2022 में हमारे पास एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मई को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 25 मई को स्टार्ट हुई थी और 5 जुलाई को जो है वो स्टॉप हो गई थी. इसके अलावा जो लेट रजिस्ट्रेशन था तो वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, विद लेट फ़ी, आप लेट भी कर सकते हैं, और 15 जुलाई को वो ख़त्म हो गया था. तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाए, क्योंकि अगर 2022 आप देख लें इस साल चूँकि सिस्टम थोड़ा सा डिले जा रहा है, वो उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह जो वो रहती है अभी, ठीक है, तो इसीलिए वो प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुआ. लेकिन 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 मैं आप लोग को बताऊँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों का वो जो है अनाउंस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है. और रजिस्ट्रेशन में आप लोग के पास बहुत टाइम होता है. अगर आप लोग देखें ये ऐसा नहीं होता कि सुबह शुरू हो गया शाम को ख़त्म हो गया एक दो दिन में. देखें लास्ट ईयर 2022 में 25 मई को स्टार्ट हुआ था और 5 जुलाई को जो वो ख़त्म हो गया था. इसका मतलब कि बहुत टाइम था. फिर लेट भी आप लोग कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीने से कम टाइम के दौरान आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. लेकिन इस साल चूँकि आप लोग को पता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले है तो इसीलिए अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन होपफुली नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हमारे पास सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स सिलेबस वो कर रहे हैं तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि आप लोग सिलेबस में चैप्टर्स कवर करें, टॉपिक हरगिज़ ना कवर करें, ठीक है, टॉपिक्स के पीछे ना जाएं, चैप्टर्स जितनी भी है वो सारे कवर करें. अगर इस मंथ सिलेबस में कुछ एडिशंस हुई तो आप लोग फिर उनको जल्दी जल्दी कवर करें, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें कोई चेंजेस होगी. अगर चेंजेस करनी ही होते तो फिर वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कर लेते, ठीक है. अभी अगर इतना कम टाइम रहता है और वो आपसे कहे कि ये चेंजेस, तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है. ऑलरेडी केएमयू ने हमारे पास ये भी एक बयान जारी किया था कि आप सिलेबस के ऊपर फोकस करें, ठीक है, और वो जो है अगर पीएमडीसी को चेंजेस लेके आएंगे तो वो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है. तो द सेम आइडिया गोज फॉर यूएचएस, बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, सेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, फेडरल स्टूडेंट्स. आप लोग अपने प्रोविंशियल बुक्स के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट करें और फिर उन तमाम चैप्टर्स को कवर करें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है. रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द स्टार्ट होने वाली है. अभी जो है फ़िलहाल हमारे पास एफएससी की एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए, ठीक है. एक एफएससी की एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद बिफोर द रिज़ल्ट उनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि देखिए हमारे पास ऐसा है ना कि लास्ट इससे पहले भी ऐसा होता था कि एफएससी एग्ज़ाम्स के बाद जो है रजिस्ट्रेशन मोस्टली स्टार्ट होते थे, ठीक है. अभी जो है फ़िलहाल आप लोग अपने जिनकी एग्ज़ाम्स नहीं हुए आप अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एफएससी मार्क्स जो है वो आपके कम अज़ कम 1000 के करीब हो, ठीक है. तो आप लोगों को आगे जो है बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप जो है जस्ट ओनली ऑन द बेस आप एमडीकेट आप एडमिशन नहीं ले सकते. आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एफएससी का काउंट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट वो जो है 40% काउंट होता है, 10% आपका मैट्रिक है. तो एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाते हैं तो फिर आप जो है ऑलरेडी कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाते हैं. तो एग्ज़ाम्स के ऊपर बिल्कुल आप कंप्लीट फोकस करें फॉर नाउ. और जो रिपीटर्स हैं तो उनको मैं यही गाइडेंस दूंगा कि अगर आपने कोर्स अच्छी तरह से कवर किया है तो आप जितने प्रैक्टिस टेस्ट हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, आप उतने प्रैक्टिस टेस्ट जो है उनको कवर करें और अपने आप को एसेस करें कि कहाँ मेरी कमज़ोरी है, लास्ट टाइम अगर मैं रह गया हूँ एमडीकेट में तो मेरी कौन कौन सी गलतियाँ थी, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको फिर आप जो है ओवरकम करें. अगर आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप रिपीट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. रिपीट एंड इम्प्रूव, ठीक है. एक्चुअल चीज़ जो है वो इम्प्रूवमेंट है कि आप जो है अगर लास्ट ईयर आपके 170 मार्क्स थे तो आप इस दफ़ा 180 प्लस जो है कोशिश करें. अगर आपके 160 थी तो आप जो है अपने लिए एक लाहेअमल बनाएं और उसको जो है प्रॉपरली आप लोग उसको फॉलो करें, ठीक है. इंशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू सोन. सिमिलरली ग्रैंड टेस्ट के अलावा उसमें आपके पास पीएमसी बंडल, 5 पेपर्स और हर एक में आपसे टेस्ट लिया जाएगा. After completing your practice test, you will be given your result at the same time और MCQs भी explain होंगे. use Dr. Sam as your promo code and get 2000 discount, 5000 only.